हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा योर अकाउंट हैज बीन डिजेबल फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए एक नया ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर एक और वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह से डिजेबल फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए दो तरीके बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप लोग वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का आई बटन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक कर अपने इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इस तरह से योर अकाउंट हैज बीन डिजेबल फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए एक और नया ट्रिक, मतलब एक और तरीके बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मेरा जो वो अकाउंट है वो अकाउंट कुछ इस तरह से डिजेबल हो गया। मैं जैसे यहाँ पर लॉग आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि वो अकाउंट 30 दिन में डिजेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इस अकाउंट को आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं वो अकाउंट आपका है। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस पेज का कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपका फ़ोन का जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। आप जैसे जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए एक कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए। दोस्तों, आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और देख लीजिए अपना अकाउंट आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जैसे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो जीमेल है मतलब अपना जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आपने जो अकाउंट डिजेबल हुआ है इस अकाउंट का ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको उस अकाउंट का ईमेल आईडी टाइप करना होगा और आप यहाँ पर एरो में क्लिक कर अपने फोन से और भी जीमेल अकाउंट यहाँ पर ऐड मतलब ऐसे जीमेल अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए एक टू का ऑप्शन आ रहा है, टू में यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी टाइप करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको किस जीमेल पर आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। तो मैं सिंपली नोट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, टू में आपको सिंपली लिख लेना होगा कुछ इस तरह से, मतलब इस जीमेल को आपको लिख टाइप कर देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस जीमेल आईडी मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आपको सिंपली इस जीमेल आईडी को टाइप कर लेना होगा। digible@support.facebook.com कुछ इस जीमेल को टाइप करना होगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा योर अकाउंट हैज बीन डिजेबल। दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से योर अकाउंट हैज बीन डिजेबल लिखना होगा। उसके बाद कंपस मेल में आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा। यहाँ पर देखिए वो डिस्क्रिप्शन मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पर जाकर वो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। तो दोस्तों, आप जैसे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पर देखिए एक इधर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अटैच फाइल में क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे अटैच फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना फ़ोन का फाइल मैनेजर मतलब गैलरी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपना फेसबुक आईडी के नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग आपके पास कोई ऐसा आईडी प्रूफ है तो आप यहाँ पर आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। मतलब आपको यहाँ पर अपना फेसबुक आईडी से मैचिंग कोई आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक आईडी प्रूफ है मेरे पास, मैं आईडी प्रूफ को यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, मैं आईडी प्रूफ को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए वो वाला आईडी कार्ड है, तो सिंपली आपको यहाँ पर आईडी कार्ड कुछ इस तरह से अपलोड कर देना होगा। तो आप लोग जैसे आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद सिंपली आपको इस वाला मेल को फेसबुक में आपको सेंड कर देना होगा। कुछ इस तरह से सेंड कर देना होगा और आपका जो मेल है वो कुछ ही देर में फेसबुक के हेल्प सेंटर में कम्प्लीटली सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, वो जो मेल है वो मेल कुछ इस तरह से फेसबुक का हेल्प सेंटर में कुछ इस तरह से कम्प्लीटली सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको तो कम से कम 24 आवर्स वेट करना होगा और 24 आवर्स के अंदर आपके ईमेल में आपके जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिया था इस ईमेल आईडी में एक ईमेल आएगा फेसबुक से। उससे अगर आपका मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट सही है तो आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर अपना ये डॉक्यूमेंट गलत है या फिर अपना कोई भी रिव्यू में वो गलत देगा तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। दोस्तों, आपको 24 आवर्स वेट करना होगा। अगर आपके पास मेल ना है तो इस टॉपिक का मेरे चैनल में एक और वीडियो है, आप चाहे तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी मिलती हो और अगर आपको नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।